हेलो दोस्तों, टेक्निकल फ्रेंड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे पास आ चुका है आईकू का एक लेटेस्ट मॉडल जो कि है आईकू जेट 6 लाइट 5G, जिसके अंदर आपका क्वालकॉम का सीपीयू मिलता है 4th Generation 1। और ये फोन जो है इसमें अभी फिलहाल एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया हुआ है और फेब्रवरी 2023 वाला एकदम लेटेस्ट अपडेट है। तो ये फोन मेरे पास आया हुआ है फिलहाल FRP सिचुएशन में, FRP लॉक कंडीशन में। तो हम लोग क्या करेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे उसका FRP अनलॉक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो किसी भी टूल में वीवो का जो क्वालकॉम वाला CPU है उसका सपोर्ट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारा ट्रिक वगैरह लगा के वो EDL मोड पे ले जाके पूरा वो सब करना पड़ता है, लेकिन कुछ ट्रिक है, अगर वो ट्रिक को आप काम पे लगाएंगे तो आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो पाएगा। मार्केट में बहुत सारा ऐसा ट्रिक ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं जानता हूँ आप लोग सभी जानते हो, तो उससे आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, फेब्रुअरी का सिक्योरिटी पैच इसमें डाला हुआ है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्या क्या करना है, पूरा प्रोसेस को फॉलो कीजिए तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अदरवाइज जो भी अलग ट्रिक है, जैसा कि टॉकबैक वाला फंडा है, सिम लगा के वो पिन वाला फंडा है, जो भी है वो सब अभी काम पे नहीं आने वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए बिना बात किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी है आईकू का एक फ़ोन, आईकू जेट 6 लाइट 5G। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका ये पैटर्न लगा हुआ है, और पैटर्न हम लोगों को मालूम नहीं है। अभी ये लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये पैटर्न हम लोग आज तोड़ेंगे पहले, उसके बाद अगर FRP होता है तो FRP अनलॉक करके भी दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको स्विच ऑफ करेंगे। हम लोगों ने स्विच ऑफ किया, पूरा स्विच ऑफ होने के बाद आपको क्या करना है, इसको ये वॉल्यूम अप और ये जो पावर है ये दोनों को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना है, और ये होने के बाद इसको छोड़ देना है। ये देखिए रिबूट और रिकवरी, ये आपका जो ये की है इससे अप एंड डाउन होगा, ये नीचे पे लाना है और आपको ये पावर की जो है इसको प्रेस कर देना है। तो प्रेस होने के बाद आप देख सकते हैं ये रिबूट हो गया एक बार, रिबूट होने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि ये रिकवरी में जाएगा, अभी रिकवरी मोड जो होता है वो रिकवरी मोड पे अभी जाएगा। ये देखिए, तो इसमें क्या जाना है, ये क्लियर डेटा में जाना है और ये क्लियर ऑल डेटा। अभी नीचे एक पॉपअप आया है आप देख सकते हो, तो इसमें हम क्लियर ऑल डेटा करेंगे। तो ये थोड़ा सा वक्त लेता है, इसमें हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर रिस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये पूरा हो गया, ऑल डेटा क्लियर करके आ गया। इधर कुछ एरर आया हुआ है फॉर्मेटिंग डेटा में, और ये फॉर्मेटिंग डेटा बाकी जो चीज़ है जैसे कि कैच डेटा, मेटा डेटा, डेटा वाइप कंप्लीट हो गया, रिटर्न किया। अभी हम लोग करेंगे रिस्टार्ट। ये रिस्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो रिस्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे ये FRP पे लॉक होता है या फिर खुल जाता है, वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा वक्त लेता है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये अभी चालू हो गया है। तो मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ, ये स्टार्ट पे क्लिक किया, ये नेक्स्ट पे किया, तो इसको एग्री कर दिया सब कुछ। ये देखिए इधर सर्चिंग फॉर नेटवर्क करके आया हुआ है, तो इधर मेरा एक फ़ोन का हॉटस्पॉट चालू है, मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो
to protect your soul. ये देखिए, ये आया, मैं डो नॉट कॉपी किया, आई फिर से चेकिंग इन्फो पे जा रहा है ये। अभी ये देखिए, ये पैटर्न मांग रहा है, मैं ट्राई करके देखा था, रॉन्ग पैटर्न आ गया। और या फिर आपको गूगल अकाउंट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों ही रास्ता बचा हुआ है एफआरपी के लिए। अभी इसमें मैं ये टॉक बैक वाला फीचर जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, टर्न ऑन किया, ये देखिए टॉकबैक बोल रहा है, voice commands are not available during setup. ये देखिए, voice commands are not available during setup. Voice commands नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को दूसरा एक तरीका है, वो आप आजमाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। Accessibility volume set to 92%. इसको नेक्स्ट 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 करके पूरा खत्म करना है, फिनिश करना है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन आया है इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इधर आपको ये मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये आएगा ऑप्शन, उसके बाद आएगा टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। ये देखिए, ये एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट जो है इसको ऑन करना है, इसके अलाउ करना है, गॉट इट करना है। इधर आपका काम हो गया, ठीक है। लार्ज बटन में कर देता हूँ, इधर आपका काम हो गया। अभी ये जो बटन आ गया इधर, इसको देखिए आप लोग, इसमें आपका असिस्टेंट मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मिलेगा और ये सब कुछ मिलेगा आपको। अभी इसमें क्या करना है, ये क्विक सेटिंग पे आप जा सकते हो। आया कुछ नहीं आया। अभी लॉक स्क्रीन करोगे तो वैसा भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी ये समझ लो कि ये जो चीज़ है असिस्टेंट, इसको काम पे लगाना है, ठीक है। ये देखिए, असिस्टेंट को डायल किया, इधर जाना है। इधर जाने के बाद ये आपको इधर मिलेगा। अभी क्या करना है, ओपन यूट्यूब। ये देखिए, ये यूट्यूब ओपन हो गया हमारा। अभी इधर से जाना है, अभी ये सेटिंग्स, इधर एक्सेसिबिलिटी, सॉरी अबाउट, हाँ इधर प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये हो गया हमारा गूगल ओपन हो गया, ये हम लोगों का क्रोम ओपन हो गया। अभी आप लोगों को बहुत सारा बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा मेथड मिलेगा, उससे आपका काम होने वाला नहीं है। तो मैं जो चीज़ दिखाता हूँ उसको पहले आप देख लीजिए। इसमें हम जाइए VN ROM, जाने के बाद इसको क्लिक करना है, एकदम पहली जो आएगा उसको ओपन करने के बाद हम लोगों को सेटिंग में जाना है, ठीक है। हम लोगों को सेटिंग में जाना है, ये पहला वाला जो है ये हम लोग सेटिंग के अंदर आ गया। अभी इधर जाके आपको तो पता लग जाएगा कि ये इधर जाना है, इधर जाके रीसेट करना है, लेकिन ये रीसेट काम नहीं करेगा। और आपका कुछ ऐसा भी है, ये जो मैं दिखाता हूँ सिक्योरिटी के अंदर, हाँ इधर भी काम नहीं करेगा, इधर भी काम नहीं करेगा, इधर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो है ऐप पिनिंग, ये ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये ऑन किया मैंने और ये वाला ऑन आप नहीं कर पाओगे, हरगिज नहीं होगा ये, ओके। तो आपको क्या करना है, ये मैंने फिर से सेटिंग ओपन किया, इधर जाके एक छोटा सा काम कर लेना है अपना फ़ायदा के लिए, ठीक है, अपना फ़ायदा के लिए। इधर मैं एक काम करता हूँ, UUICK,
हाँ, तो ये जो इजी टच वाला फीचर है इसको आप ऑन कर लीजिए। कैसे काम आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसको कस्टमाइज कर लीजिए, ये दोनों को हटा के, सॉरी ये दोनों को हटा दीजिए, सॉरी हाँ। तो इधर आपको एक चीज डाल लेना है पहले ही मैं बता देता हूँ। ये इजी शेयर वाला हो गया, ओके। आप चाहो तो क्रोम का भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। सेटिंग पर भी शॉर्टकट मैं दे दिया, और अगर क्रोम का चाहिए क्रोम का भी मैं ले लेता हूँ। अगर काम नहीं बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, अभी ये हमारा आ गया है। इसका मतलब हम लोगों को किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इजी शेयर को ओपन करेंगे। इसको जो भी परमिशन वगैरह ये मांगता है वो दे दीजिए, ओके। ये स्टार्ट कर दीजिए इसको। अभी आपके पास दूसरा एक फ़ोन होना चाहिए, ओके। क्या होना चाहिए? दूसरा एक फ़ोन होना चाहिए। तो मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। तो इसमें दो चीज़ इंस्टॉल होना चाहिए। एक होता है आपका ये जो इजी शेयर है, इजी शेयर इंस्टॉल होना चाहिए, और ये एक एक्टिविटी लॉन्चर, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये इजी शेयर जो है इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए दोनों फ़ोन के अंदर ही इजी शेयर ओपन है, ठीक है। ये हमारा आईक्यू का फ़ोन है और ये हमारा सैमसंग का, तो दोनों में ही हम फ़ोन क्लोन करेंगे। ये हो गया हमारा न्यू फ़ोन, ओके, और ये हो गया हमारा ओल्ड फ़ोन। मैं सेट कर देता हूँ इसको, परमिशन वगैरह दे देता हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारा ओल्ड फ़ोन, गॉट इट कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, हाँ। तो ये QR जनरेट हो गया, ओके। अभी इसमें क्या करना है, इसमें आपको एंड्रॉयड में सिलेक्ट करना है, इसमें भी गॉट इट करना है, सभी एप्लीकेशन का परमिशन जो है वो दे देना है, और उसके बाद सिंपली ये देखिए ये इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन हो गया, अभी देखिए कैसे चमत्कार होने वाला है, अभी देखिए, ठीक। ये देखिए अभी कनेक्ट हो गया, अभी गॉट इट करना है, इसको अलाउ कर देना है, सब कुछ अलाउ कर देना है। अभी ये पूरा स्कैन होगा, पूरा डेटा स्कैन हो गया, आपको ये सब बंद कर देना है। अब जितना चाहिए उतना ही देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेता हूँ, ओके। तो आपको ऐप को भी बंद करना है, ऐप में जाना है, और ये देखिए ये एक्टिविटी लॉन्चर, ठीक है। तो इसको ओके कर देना है, और ये नीचे वाला जो है स्टार्ट, अभी हो गया, इसका काम हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। ये इसका हो गया, ये फ़ोन का अब कुछ काम नहीं है, ओके। अभी देखिए इधर ये हिस्ट्री में जाना है आपको, इधर ओपन करना है और इसको खोल लेना है, ओके। ये हो गया, ये नीचे जाना है, ये देखिए एंड्रॉयड सेटअप, इसको खोलना है, और एकदम नीचे देखिए ये वाला जो है, देख सकते हैं आप लोग, सेटअप डेफर्ड, इसको ओपन करना है, स्टार्ट करना है, स्कीप करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नो केबल करना है, कॉपी विदाउट केबल करना है, नेक्स्ट करना है, यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ओके। अभी देखिए सेटअप माय डिवाइस, ये देखिए ये ओपन हुआ, अभी नेक्स्ट करना है,
to protect your soul. ये देखिए, ये पूरा आ गया। इसमें नेक्स्ट करना है, कॉपी करना है, अभी देखिए इधर क्या होगा, इधर पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, जो मेरा मेल आईडी है उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। साइन मार दिया, ये देखिए ये डेटा ट्रांसफर ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा ओके हो गया, मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया और इधर मैंने स्कीप कर दिया, सॉरी ये स्कीप हो गया। इसको भी स्कीप कर देता हूँ, ये भी स्कीप कर देता हूँ, स्कीप, नो थैंक्स। ये देख सकते हैं पुराना स्क्रीन पे आ गया है। मैं सब कुछ वैसे ही करूँगा, आपके सामने जो भी हो रहा है आप देख सकते हो। अब ये देखिए, ये अकाउंट ऐड हो गया है। अभी इसमें आपका FRP लॉक जो है, हट चुका है पूरा। ये देखिए हो गया काम, पूरा होम स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये बाकी जो प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस में नहीं हो पाएगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये आपका काम बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा हटके है, ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो गया। अभी सिंपली आपको इसमें जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अगर आप सिस्टम में जाएंगे, ये देखिए रीसेट ऑप्शन खुल गया है, फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसको कीजिए, आपका फोन फिर नया जैसा हो गया। ये आप देख सकते हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट, सब टर्म्स कंडीशन ओके करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी ये देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन भी आ गया, ये आ गया, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, इसको स्कीप कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। ये देखिए ये पूरा वर्किंग कंडीशन पे अभी आ चुका है, पूरा फ्रेश फोन हो गया, अभी FRP सब हट चुका है। मैं दिखा देता हूँ एक बार इसका सिस्टम क्या है, ये देखिए 13 है, ठीक है। और इधर मैं इंफॉर्मेशन भी चेक कर देता हूँ, ये देखिए बिल्ड नंबर भी देख सकते हैं आप लोग, ओके, एंड्रॉइड सिक्योरिटी वर्जन देख सकते हैं, February 1, 2023 का, एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला है, आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मेरा ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेरा आईकू जेट 6 लाइट 5G जो फ़ोन है उसके FRP पूरा हट चुका है और फ़ोन अभी पूरा नया जैसा कंडीशन में अभी आ चुका है। तो इस ट्रिक को अगर आप अच्छी तरीके से समझ के करेंगे तो आपका फ़ोन भी अनलॉक हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है बेसिकली मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ,
कि किसी का भला हो जाए, उसका मेल आईडी या फिर पैटर्न वगैरह वो भूल गए, इसके काम के लिए, किसी भी इलीगल काम के लिए आप इसको यूज़ ना करें। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।